नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में विशेष स्थान रखने वाली एक बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी जड़ी बूटी अतिबला का परिचय कराने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग भी बताएंगे जो बहुत ही लाभकारी हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अतिबला का पौधा भारत में लगभग सभी जगह देखने को मिल जाता है। यह पौधा बारिश के मौसम में अपने आप ही उग आता है। अतिबला का पौधा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिस पर इस तरह की पत्तियां लगती हैं। आप इन पत्तियों को अच्छी तरह पहचान लें क्योंकि पत्तियों से और इसके फल से इसको पहचाना आसानी से जा सकता है। इसका फल हरे रंग का होता है जो सूखने के बाद काला हो जाता है, जिसके अंदर काफी सारे बीज निकलते हैं। यदि आप इसके फल को तोड़ेंगे तो काफी सारे बीज आपको मिलेंगे जो छोटे छोटे होते हैं। यह बीज कई औषधीय गुण रखते हैं। अतिबला के ये फल बहुत ही सुंदर दिखते हैं और चक्री नुमा होते हैं, इसलिए आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। इसके बाद जो उसके फूल हैं वो पीले रंग के खिलते हैं और काफी सुंदर लगते हैं। बला की चार प्रजातियां होती हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनकी पहचान भी अलग अलग होती है, जैसे कि वाला, महाबला, अतिबला और नागबला। आने वाली वीडियो में हम आपको इनके सभी रूपों के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज हम आपको सिर्फ अतिबला का परिचय और उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। अतिबला को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि खरेटी, बंगाली में इसे श्वेत वेडला कहते हैं, मराठी में खिरहंटी, गुजराती में खपाट बल्दाना कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंडियन मालो भी कहते हैं और इसका वनस्पतिक नाम ए ब्यूटीलान इंडिकम है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अतिबला को क्या नाम से जानते हैं और इसके क्या यूजेस हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सभी लोगों को इस दिव्य औषधि के बारे में जानकारी मिल सके। अतिबला एक बहुत ही पौष्टिक औषधि है और ये शरीर में बहुत अधिक बल प्रदान करती है, इसलिए इसको अतिबला कहते हैं। यह बल कारक होने के साथ साथ और भी कई रोगों को दूर करती है। इसका सेवन पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं और दोनों को ही इसके काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। अधिकतर अतिबला के पत्ते, जड़ और बीज का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पर आप इसके पंचांग का भी इस्तेमाल देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोगों के बारे में बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो पहला प्रयोग है शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए। बहुत थकान रहती है, वीर का पतलापन, स्वप्न दोष, धात का गिरना, चक्कर आना, शरीर का दुबलापन, नपुंसकता, पेशाब का बार बार आना आदि समस्याओं को दूर कर शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान बना देता है। अतिबला के बीज और जड़ को समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बना लें। अब आप इस चूर्ण को एक एक चम्मच सुबह शाम शहद मिले दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपके शरीर में अपार बल की वृद्धि होती है। सातों धातुएं पुष्ट और बलवान होती हैं और बल और वीर बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा योग है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग है जो दुबलापन दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अतिबला की जड़ को कूट पीस कर बारीक चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर खा लें और ऊपर से एक गिलास गर्म गर्म दूध पी लें तो यह शरीर को बलवान और सुडोल बना देता है। इसके बाद तीसरा जो प्रयोग है वो है महिलाओं के लिए। यदि श्वेत पितरदर्द यानी कि ल्यूकेरिया आदि की प्रॉब्लम है तो आप इसको सेवन कर सकते हैं। इसके लिए अतिबला के बीजों का चूर्ण एक चम्मच शहद में मिलाकर चाट लें और ऊपर से गर्म दूध पी लें तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से ये समस्या खत्म हो जाती है। चौथा प्रयोग है बवासीर के लिए। जिन लोगों को खूनी बवासीर है उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए आप अतिबला के पंचांग को फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को लेकर कूट पीस कर मोटा मोटा दरदरा चूर्ण बना लें और इसको उबाल कर काढ़ा बनाना है और इस काढ़े को ठंडा करके पीने से कुछ ही दिनों में खूनी बवासीर में काफी आराम मिलता है। इसके पत्तों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पत्तों को उबाल कर काढ़ा बना लें और फिर इस काढ़े से कुल्ला करने से मसूड़ों से आने वाला खून बंद हो जाता है। अतिबला के और भी कई औषधीय प्रयोग हैं जो बहुत ही लाभकारी है। समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अतिबला के बीज, जड़ और पाउडर यदि आप चाहते हैं तो आप पंसारी की दुकान से इनको ले सकते हैं। यदि आप इन सभी को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इनको मंगा सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।